मेडिकल तौर पर अनफिट आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है, ये कैसे प्रूव हो सकता है? संविधान में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जो व्यक्ति मेंटली पूरी तरह फिट नहीं हो वो सदन में नहीं बैठ सकता है। आप एकदम बेफिक्र रहिए नीतीश बाबू, हम लोग तोड़ने वाले नहीं है, आप स्वयं समाप्त हो जाइएगा, इतना अस्वस्थ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जिससे प्यार करती है अंधा प्यार करती है, और जब दुश्मनी करती है तो ऐसा दुश्मन भी धरती पर आपको नहीं मिलने वाला। आज भ्रष्टाचार का अभियोग आपका उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, आपका नींद खुलेगा कि नहीं खुलेगा नीतीश बाबू? पूरे बिहार के बदलाव में आपका बड़ा योगदान रहा, और आप तो ये भी मैं कहूंगा कि नंदकिशोर जी बुलंद आवाज, आपने तो अपने किताब में सच्चाई लिख दिया। बहुत से ऐसे नेता भी हैं, वो लिखेंगे क्या, उनको ये भी याद नहीं रहेगा। आपको तो याद है, आप आज 70 वर्ष के करीब हैं, लेकिन एक एक चीज आपको याद है और चीजें कैसे करानी है ये भी तय करते हैं। अभी मैं सुन रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को पैसा देकर खरीदना चाहती है। अरे भाई, हम जो बिका हुआ माल हो और जो एक तरह से रद्दी माल हो उसको लेकर हम क्या करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप एकदम बेफिक्र रहिए नीतीश बाबू, हम लोग तोड़ने वाले नहीं है, आप स्वयं समाप्त हो जाइएगा, इतना आश्वस्त करते हैं। बिहार की जनता 18 साल जिसको मुख्यमंत्री बना कर रखे, और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सुशील जी अभी बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी तो जिससे प्यार करती है अंधा प्यार करती है, और जब दुश्मनी करती है तो ऐसा दुश्मन भी धरती पर आपको नहीं मिलने वाला। और आप कहते थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रामाधार सिंह जी जब एक केस में अभियुक्त थे उन पर वारंट निकल गया, और आप अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में भी जो जीतन राम मांझी जब पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बने तब भी आपने मंत्री पद से हटाया उनको। आरएन सिंह जो प्रवक्ता से विधायक थे और अभी उनका बेटा जेडीयू से एमएलए है, और कई साथी जो जेडीयू में ही मंजू वर्मा से लेकर कई लोग जिनको मंत्री पद से हटना पड़ा, आज भ्रष्टाचार का अभियोग आपका उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, आपका नींद खुलेगा कि नहीं खुलेगा नीतीश बाबू? आप कहते थे भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, आज तो मैं तो ऐसे तो पहले से कह रहा हूं कि 2013 तक आदरणीय सुशील जी और नंदकिशोर जी के साथ वो सरकार चलाए, 2013 के बाद नीतीश कुमार सिर्फ और बिहार में सिर्फ सरकार बचाने का काम कर रहे हैं, दिन काटने का काम कर रहे, इससे अधिक कुछ नहीं। अब बिहार का विकास भी उनसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने एक शब्द कहा है, मेमोरी लॉस सीएम, मतलब देश में ऐसा दुर्भाग्य मेरा समझिए बिहार का कि मेडिकल तौर पर अनफिट आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है, ये कैसे प्रूव हो सकता, इसकी जांच होनी चाहिए। अब देखिए बिहार में स्थिति यहां तक पहुंच गया, आपसे क्या बात करेंगे, कई विधायकों विधायक यहां बैठे हैं, ये अपना अनुभव शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा। संविधान में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जो व्यक्ति मेंटली पूरी तरह फिट नहीं हो वो सदन में नहीं बैठ सकता है, यह स्थिति अब उत्पन्न हो गई बिहार में। इसलिए साथियों, आज नंदकिशोर जी के इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला, और नंदकिशोर जी ने बुलंद आवाज के तौर पर अपनी बातों को आपके बीच में रखा है, और इस किताब के माध्यम से जो उन्होंने बुलंद आवाज बिहार विधानसभा के पटल पर किया रखा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हम तमाम साथी करें, हमारे मार्गदर्शक हमारे नेता रहें, और आगे के दिनों में भी हम इनका मार्गदर्शन लेते रहें, पार्टी को और मजबूत करें, इस पूरे विचार के साथ हम पीयूष जी को, राकेश प्रवीर जी को,
और नंदकिशोर जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।